हरदा के सिटी कोतवाली पुलिस ने नशे के 3 सौदागरों को 14 लाख रुपए के गांजे के साथ पकड़ा। गांजा तस्करों को मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। हरदा के सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने नशे के 3 तस्करों को 70 किलो गांजे के साथ पकड़ा, जिसकी कीमत करीब 14 लाख बताई जा रही है। सभी अपराधियों को एक चार पहिया वाहन के साथ रहनाई रोड पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। एसपी अनुभव चौकसे ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में कुछ लोग गांजा लेकर जा रहे हैं। सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस की एक टीम ने रहनाई रोड पर घेराबंदी की, जहां पर एक कार को रोका गया जिसमें 3 लोग मिले। जब उनकी चेकिंग की गई तो उनकी गाड़ी में करीब 70 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है। आरोपी शेख खलील को, जो रहट गांव का रहने वाला है, जिस पर पहले से ही करीब 10 मामले दर्ज है, जिनमें से 5 मामले NDPS के हैं। अन्य 2 आरोपियों में आदतन अपराधी हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नागपुर से गांजा लेकर बैतूल होते हुए हरदा आ रहे थे। तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं। रनईतला रोड में नाका लगाया गया था और मुखबिर सूचना थी कि एक कार जो कि ग्लैंजा है, उसमें कुछ मादक पदार्थ लाने की खबर है। और जब इस कार को रात को 3 बजे पकड़ा गया, तो उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें 70 kg गांजा बोरियों के अंदर प्राप्त हुआ, जिसकी सरकारी मूल्य में लागत 14 लाख रुपए है। कार में 3 व्यक्ति हैं और तीनों के तीनों एक प्रकार से उनके पुराने अपराध भी हैं, जिसमें मुख्यतः शेख खलील है, जिसके 10 आपराधिक रिकॉर्ड हैं और पुराने 5 NDPS के अपराध हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।